हेलो गाइस गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट्सएप पर जो हम डीपी लगाते हैं उस पर फुल साइज़ की इमेज किस तरह से लगा सकते हैं। क्योंकि जब भी हम व्हाट्सएप पर हमारे डीपी को जो है सेटिंग करने जाते हैं, तो डीपी जब हम सेट करते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो हमें जो है फ़ोटो को जो है थोड़ा सा क्रॉप करना पड़ता है। जैसे कि मुझे ये डीपी लगानी है, तो आप देख सकते हो फुल साइज़ का फ़ोटो है, लेकिन ये व्हाट्सएप पर नहीं आ रहा है, इसे मुझे जो है थोड़ा सा छोटा करना पड़ रहा है। तो हम किस तरह से फुल साइज़ की डीपी लगा सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। अभी मैंने आपको दिखाया कि ये फ़ोटो मुझे लगाना है, लेकिन ये जो है फुल साइज़ इमेज है, तो मुझे इसे क्रॉप करना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से ये जो इमेज है ये फुल नहीं आ रही है। तो किस तरह से हमें फुल साइज़ इमेज इस व्हाट्सएप डीपी पर लगानी है, तो चलिए देखते हैं। अब इसे कर देते हैं हम कैंसिल और जाते हैं बैक। आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, जो कि मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर ली है। आपको नो क्रॉप की एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। आपको जाना है प्ले स्टोर पर सर्च करना है नो क्रॉप। तो ये जो है सर्च कीजिए, आपको यहाँ पर नो क्रॉप एंड स्क्वेयर फॉर इंस्टाग्राम ये एप्लीकेशन मिलेगी। यही एप्लीकेशन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के लिए काम आती है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे नो क्रॉप एंड स्क्वेयर फॉर इंस्टाग्राम। तो ये जो एप्लीकेशन है आपको डाउनलोड कर लेनी है, इसे ओपन कर लेंगे। अब ये जो एप्लीकेशन है ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपको एडिट का बटन यहाँ पर दिखेगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और आपकी जो भी कोई भी आपको जो पिक्चर लगानी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से जो मेरी फुल साइज़ पिक्चर थी ये वाली, तो ये मैंने सिलेक्ट कर ली है, ये यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर जो है आप थोड़ा बहुत एडिटिंग कर सकते हो, तो मुझे जो है इसे साइड में ब्लर करना है, तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा मैं, और यहाँ पर एक ब्लर का ऑप्शन है ये लगा देंगे। तो आप देख सकते हो साइड में जो है ब्लर आ चुकी है, और इसे कर देंगे यहाँ से शेयर, और यहाँ पर डाउनलोड का बटन है, हम इसे डाउनलोड कर देंगे। तो अब जो है हमारी ये फ़ोटो गैलरी में सेव हो चुकी है। हम करते हैं इसे बैक, और गैलरी में जाकर देखेंगे क्या ये फ़ोटो सेव हो चुकी है या नहीं। तो आदर्श में, और ये देखिए ये नो क्रॉप में ये फ़ोटो आ चुकी है। और अब हम चलते हैं व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप को ओपन कर लेंगे, और हमारी जो सेटिंग्स है यहाँ पर जाकर हम प्रोफाइल पिक्चर सेट करके देखेंगे क्या ये जो पिक्चर हमने अभी एडिट की थी वो आएगी। ये देखिए नो क्रॉप फोल्डर में ये पिक्चर आ चुकी है, और इसे देखते हैं हम। तो ये देखिए ये फुल साइज़ फ़ोटो जो है यहाँ पर हमारी आ चुकी है, इसे क्रॉप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, कम्प्लीटली फुल साइज़ फ़ोटो है। इसे हम डन करेंगे, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है फुल साइज़ फ़ोटो आ चुकी है, और कंप्लीट पिक्चर जो हमारी फुल डीपी है यहाँ पर लग चुकी है। तो गाइज इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप में फुल साइज़ डीपी लगा सकते हो इस एप्लीकेशन की मदद से। काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी तरह की आपके जो सोशल मीडिया होंगे, आप वहाँ पर इस तरह से फुल साइज़ की प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हो, सेंड कर सकते हो। काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, इसका यूज़ आप ज़रूर कीजिए। तो बस दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत ही जल्द मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।